तो दोस्तों, आपने डिसाइड किया है कि एक यूज्ड कार या फिर प्री ओन्ड कार खरीदने वाले हो। वेरी गुड डिसीजन, वेरी वेरी गुड डिसीजन। लेकिन दोस्तों, इट कैन बी अ वेरी बैड डिसीजन एज वेल। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। यूज्ड कार जब आप खरीदते हो ना, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं। सबसे पहले तो दोस्तों, नई गाड़ी जब आप लेते हो, ब्रांड न्यू, शोरूम से बाहर आ गई, तो उसकी प्राइस 20-30% से कम हो जाती है। जी हाँ, एज सून एज इट कम्स आउट। सोचिए, नए कार का सबसे बड़ा जो डेप्रिसिएशन होता है, पहले 6 महीने में होता है, और नियरली 60-70% डेप्रिसिएशन पहले 3 सालों में होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब 3 नई गाड़ियां खरीदी जाती है, 4 पुरानी गाड़ियां जो है, दे एक्सचेंज हैंड्स। जी हाँ, वो खरीदी जाती है, बेची जाती है। सोचिए, सो यूज्ड कार का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, और आजकल तो बहुत ज्यादा बूम भी हो रहा है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए आपने जब आप यूज्ड कार खरीद रहे हो? सबसे पहले, खरीदने के पहले ही दोस्तों, बजट आपका क्या होगा ये फिक्स कीजिए। मत हिलिए उससे कि भाई मेरा जो बजट है वो 4 लाख का है, 8 लाख का है, जो भी आपका बजट है वो फिक्स कीजिए पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ऐसे हो सकता है कि आप कैश डाउन नहीं करोगे, लोन लोगे। तो याद रखिए, नई गाड़ी जब आप खरीदते हो, उसके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसके कम होते हैं, लेकिन यूज्ड कार्स में इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर आप लोन लेने वाले हो तो कम टेन्योर के लिए लीजिए, और इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। और दोस्तों, जब आप यूज्ड कार खरीद रहे हो तो जनरली क्या होता है, 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपकी कोई पहचान का है, आपका दोस्त है, आपके फैमिली में कोई कार बेच रहा है और फिर आप खरीदते हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि बीच में कोई ब्रोकर वगैरह नहीं होता है और उसकी वजह से थोड़े पैसे आपके बचते हैं। और नोन लोगों से खरीदना, यानी आपको कार की हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पता होती है, सो दैट इज द आइडियल सिनेरियो। दूसरा जो है वो नॉर्मल, जो बहुत सारे लोग करते हैं, कि कार ब्रोकर्स होते हैं, जगह जगह पे आपको यूज्ड कार के शोरूम्स या फिर डीलर्स दिखेंगे, उधर से आप खरीदोगे, उधर स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, वो बताने वाला हूं वीडियो में। और तीसरे होते हैं सर्टिफाइड प्री यूज्ड व्हीकल्स या प्री ओन्ड व्हीकल्स। बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स आ गए हैं, महिंद्रा के हैं, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, उसके बाद में मारुति का भी है, ट्रू वैल्यू कार्स, ये जो है, इनके पास से आप खरीदोगे तो थोड़े महंगे पड़ेंगे, बट यू विल हैव पीस ऑफ माइंड, क्योंकि वो प्रॉपरली प्रोफेशनली इंस्पेक्ट करते हैं कार को, लेकिन जैसे मैंने बताया थोड़े महंगे होते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस होंगे जहां से आप यूज कार खरीदोगे। लेकिन कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और कितनी पुरानी होनी चाहिए? जनरली दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, अगर गाड़ी 3 साल की है, 3 साल के अंदर, 3-3.5 साल के अंदर, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय द व्हीकल, क्योंकि प्राइस डेप्रिसिएशन तभी सबसे ज्यादा होती है, तो अच्छी आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। और अगर किलोमीटर के बारे में बात करूं, तो अगर आप 50-60 हजार किलोमीटर जो दौड़ी हुई है गाड़ी वो लोगे, दैट विल बी नाइस। 60 हजार किलोमीटर के नीचे, या फिर अराउंड दैट मेनी किलोमीटर, उतना रनिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा यानी खर्चा निकलेगा गाड़ी का, तो उतना ध्यान रखिए। चलिए, आपने अभी डिसाइड कर लिया किससे बाय करना है, कौन सी गाड़ी बाय करनी है, अब आपको इंस्पेक्ट करना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, आप किधर से भी लो, एक कार ब्रोकर, कार डीलर से लो, आपके दोस्त के पास से लो, लेकिन इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई मैकेनिक, कार मैकेनिक जो होता है, वो दोस्त है या आपके पहचान का है, उसे लेके जाइए इंस्पेक्ट करने के लिए। मैं ये जो बात है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं, सब कुछ हमें नहीं पता होता है, स्पेशली इंजन के बारे में। तो अगर आप एक मैकेनिक को लेके जाओगे, ही विल टेल यू एग्जैक्टली क्या अच्छा है क्या बुरा है। इंजन अगर आप देख रहे हो तो देखिए कि भाई ठीक है, क्लीन है, रस्टिंग वगैरह किधर नहीं है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टाइम पे दोस्तों, ऐसे कार्स होते हैं जो कोस्टल सिटीज में होते हैं, और इंजन उधर ज्यादा रस्ट होता है, मतलब 2-3 साल के बाद भी रस्टिंग चालू हो जाता है, एंड दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर इंजन। तो इसके पास स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, टायर्स। टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, महंगे होते हैं, तो टायर्स के पास देखिए, ट्रेड वगैरह उनके कैसे हैं, वो सब प्रॉपरली ध्यान दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, और मेरे हिसाब से बहुत बार इसी में प्रॉब्लम आता है और आपके खर्चे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स। जी हाँ, देखिए कि सब नॉब, स्विचेस, बटन से सब ठीक तरह से चल रहे हैं क्या, जो लाइट्स हैं, आगे के हेडलैम्प्स, पीछे के टेल लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ये सब चीजें प्रॉपरली चल रही है या नहीं, ये चेक कीजिए। 5 ही मिनट लगेंगे दोस्तों, लेकिन इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। अगर एक्सटीरियर देखना है तो डेंट्स वगैरह हैं क्या, कितने डेंट्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उसके पास जरा ध्यान दीजिए। और उससे भी ज्यादा दोस्तों,
कार अंदर से मॉडिफाई हुई है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार बहुत जो ओनर्स होते हैं उनको और बहुत अतरंगी चीजें चाहिए होती है गाड़ी में, जी हाँ, और उसकी वजह से जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल OEM इक्विपमेंट होता है, वो निकाल के चेंज करवाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ड्राइव क्वालिटी पे, ड्राइविंग में डिफरेंस पड़ता है, तो उसके पास ध्यान दीजिए। और दो तीन चीजें और भी मैं कहना चाहूंगा, एक तो जो सिंगल ओनर यूज गाड़ी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। अगर किसी ने ली हुई है, एक साल के बाद बेची, उसके बाद में फिर से किसी ने खरीदी हुई है, उसके बाद में आप ले रहे हो, देन यू आर द सेकेंड और थर्ड ओनर, सेकंड नहीं थर्ड ओनर आप होते हो, जनरली बी द सेकंड ओनर। उससे ज्यादा पुरानी गाड़ी या दो तीन हाथों से चली हुई गाड़ी मत लीजिए। और दोस्तों हिस्ट्री में और एक चीज के पास ध्यान दीजिए, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है कि भाई पूरा इंजन वगैरह चेंज हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल पहली बार जब गाड़ी में जो इंजन होता है वो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकलेंगे। जनरली ट्राई टू अवॉइड कार्स जिनमें एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, मत लीजिए ऐसी गाड़ियां, क्योंकि वो सस्ती मिलेंगी लेकिन आपको प्रॉब्लम भी बहुत देंगी। और फाइनली दोस्तों टेस्ट राइड तो ले ही लीजिए, सिर्फ आप ही नहीं, आप अगर आपके साथ कोई दोस्त वगैरह होगा तो उसे भी लीजिए, सेकंड ओपिनियन इज ऑलवेज गुड। और जब आप टेस्ट राइड लेते हो तो ये सोचिए कि आप किस चीज के लिए इस्तेमाल करने वाले हो वो कार। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक ही जाने के लिए आपको चाहिए, छोटी कार चाहिए, और आप बड़ी कार के पास देख रहे हो, इट डज नॉट मेक सेंस, तो आपका जो यूटिलाइज होने वाला है आपकी कार आपके काम के लिए, उस हिसाब से देखिए ड्राइव क्वालिटी कैसी है, इंजन में से कोई नॉइज आ रहा है क्या, सस्पेंशन ठीक है क्या, ये सब चीजें जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप टेस्ट ड्राइव करोगे तब आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस ब्रांड की गाड़ी आप ले रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक टोयोटा जो होती है, टोयोटा की इनोवा, ये 200,000 किलोमीटर तक भी आराम से चलती है, या फिर आप चेवरोले की कोई गाड़ी ले लोगे जो पुरानी है थोड़ी, वो 30,000-40,000 भी रनिंग होगी तो भी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि कौन से ब्रांड की गाड़ियाँ ले रहे हो। जनरली टोयोटा, होंडा, ये जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। याद रखिए यूज कार लेने के बाद भी आप कम से कम तीन चार सालों तक तो कम से कम उसे इस्तेमाल करोगे, तो उस हिसाब से लीजिए कि अगले 50,000-60,000-70,000 किलोमीटर गाड़ी कैसी चलेगी, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात इधर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक नए ड्राइवर हो, बहुत बार ऐसे होता है कि आप नई ड्राइविंग सीखी हुई है, नई गाड़ी जब आप लोगे तो याद रखिए जब नए ड्राइवर होते हैं तो एक्सीडेंट होने के या फिर स्क्रैच होने के ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ये सेकेंड हैंड गाड़ी जो होती है एज अ टेस्ट बेड अच्छी होती है, तो स्टार्ट में 1-2 साल इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा पैसे भी आपके खर्चा नहीं होंगे, उसके बाद में एक नई गाड़ी के पास देखिए, तो ये एक 2-3 चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। और फाइनली दोस्तों आपने डिसाइड कर लिया आपको अच्छी लगी गाड़ी, फिर भी जो ओनर होंगे उनके पास से सर्विस हिस्ट्री के बारे में पूछिए कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या, कितने बार आपने गाड़ी सर्विस की हुई है, क्या क्या आपने गाड़ी में किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, व्हाट इज द सर्विस हिस्ट्री और मेंटेनेंस हिस्ट्री ऑफ दैट कार। वैसे दोस्तों अगर सर्विसिंग के बारे में आपको जानना है तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, जरूर जाके देखिए। और फाइनली दोस्तों डॉक्यूमेंट्स सब ऑर्डर में होने चाहिए, RC बुक बराबर से है या नहीं, जो कार है वो हाइपोथेटिकेटेड है या नहीं, इसका मतलब किसी बैंक का उसके ऊपर क्लेम है या नहीं, ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस रिन्यूड है नहीं है। दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस करने जाओगे जो इंश्योरेंस लैप्स्ड है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तो गाड़ी जो है जब आप खरीद रहे हो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। और फाइनली दोस्तों ये आता है आपके ऊपर, नेगोशिएशंस, प्राइस जब आप नेगोशिएट करते हो आप कितने अच्छे हो। कोई कोई दोस्तों इतना जबरदस्त होता है नेगोशिएशन में कि भाई 4.5-5 लाख की गाड़ी वो 3.5-4 लाख में ही ले लेता है, उससे भी कम। सो दैट इज अप टू यू, डेवलप कीजिए आपके स्किल्स, जितना हो सके उतना कम प्राइस में लीजिए ताकि आपके पैसे बचे। जी हाँ दोस्तों इस क्विक वीडियो में इतना ही बताना था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता है लेकिन करते नहीं हैं, इंप्लीमेंट नहीं होती है, और इसीलिए ये वीडियो। वैसे ये अच्छा लगा दोस्तों वीडियो, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब वो तो कर ही दीजिए दोस्तों, ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।